एक और भाजपा नेता ने गोडसे को बताया राष्ट्रवादी। भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने गोडसे को कहा राष्ट्रवादी। प्रज्ञा सिंह के गोडसे वाले बयान पर मोदी भी थे नाराज। मोदी की नाराजगी का बीजेपी नेताओं पर नहीं कोई असर। भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे वाले बयान से काफी बवाल मचा था, यहां तक कि खुद भाजपा भी असहज हो गई थी। खुद पीएम मोदी ने कहा था कि वो प्रज्ञा को कभी भी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगता है कि पीएम की अपील और गुस्से का कोई असर नहीं पड़ा है। भाजपा की एक और नेता ने गोडसे को राष्ट्रवादी बता दिया है। मऊ से भाजपा की विधायक उषा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को राष्ट्रवादी कहा है। उषा ने एक सवाल के जवाब में गोडसे के लिए कहा कि वो राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कहा कि उस समय क्या परिस्थिति रही होगी जो उन्होंने ये निर्णय लिया। हमको इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब भाजपा के नेताओं ने ऐसा बयान दिया है जिससे पार्टी असहज हो जाती है और विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाता है। उषा ठाकुर के इस बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा है कि जनता के सामने भाजपा की सोच उजागर हो रही है कि इनके दिल में क्या और दिमाग में क्या है और इनके विचार क्या हैं। इसी तरह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने कहा कि गोडसे को राष्ट्रवादी बताकर उषा ठाकुर ने मोदी और भाजपा दोनों का मजाक उड़ाया है। उम्मीद तो यही थी कि पीएम मोदी के प्रज्ञा के बयान पर नाराजगी के बाद भाजपा नेताओं में संदेश जाएगा और इस तरह के बयानों से वो बचेंगे, लेकिन लगता है कि मोदी के गुस्से और नाराजगी का भाजपा नेताओं ने कोई असर नहीं लिया, जिसकी ताजा मिसाल उनकी नेता उषा ठाकुर ने ये बयान देकर दिया है।